बचाना होगा, कुछ भी करके उनको बचाना ही होगा। खूनी अब उनको ना मार दे, मैंने सपने में भी यही देखा था, वो उनको ना मार दे। हाँ मीरा। हेलो अंकल, आप कहाँ पर हो? हाँ आवाज नहीं आ रही बेटा। हेलो अंकल, आप कहाँ पर हो? मैं घर पे हूँ अंकल। कोई भी दरवाजे पे आए दरवाजा मत खोलना। हेलो, कुछ भी हो जाए दरवाजा मत खोलना। हेलो 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 अंकल, अंकल मानव की चौकी है मेरे घर पे, आप मेरे घर आ जाओ प्लीज। हेलो हेलो अंकल, हेलो हेलो। अरे क्या कहना चाहती थी? सुन लिया। डॉक्टर अंकल अभी तक क्यों नहीं आए? डॉक्टर अंकल कहाँ रह गए? हेलो हेलो अंकल। हेलो आप कौन? जी मैं मीरा बोल रही हूँ, आप कौन? मैं इंस्पेक्टर सिंह बोल रहा हूँ। डॉक्टर साहब का यहाँ मर्डर हो गया। मर्डर? जी। ये सब हो क्या रहा है? पहले वो सीसीटीवी फुटेज और डॉक्टर अंकल का मर्डर। आखिर क्यों जा रही है मासूम लोगों की जाने? सब कहते हैं तेरे घर में देर है, अब देर नहीं तो क्यों अभी तक सवेरा नहीं हुआ? क्यों अभी तक अंधकार है? शायद वो सवेरा कभी नहीं होगा। मुझे बहुत विश्वास था तुझ पे माँ, बहुत विश्वास था, पर आज से अभी से अपने आप को तेरी भक्ति से मुक्त करती हूँ। मैं आज के बाद तेरे आगे कभी दिया नहीं जलाऊंगी माँ, कभी नहीं। तूफान आने वाला है।
लड़की के साथ विवान का फोटो, ये तो वही लहंगा है। सेम, मैंने जिस आदमी को देखा था वो विवान ही है। भगवान का आशीर्वाद ले कि हमारा प्यार हमेशा ऐसे ही बना रहे, हमारे जाने के बाद भी इसका असर खत्म ना हो। नहीं, नहीं। मैं ऐसा नहीं कर सकता। क्यों? मैं किसी और से प्यार करता हूँ। किससे प्यार करते हो? कौन है वो बता? देखो, वो मैं तुम्हें नहीं बता सकता। मैं सिर्फ इतना कह रहा हूँ कि मैं तुमसे शादी नहीं कर सकता। नहीं, नहीं, मत जाओ, प्लीज। जाओ, जाओ, कैसे? हम एक दूसरे को प्यार करते हैं, क्यों नहीं कर सकते फिर हम? प्लीज आई लव यू, प्लीज मेरे साथ ऐसा मत करो, प्लीज। तुम मुझे छोड़ के नहीं जा सकते, प्लीज। क्यों कर रहे हो ऐसा? मुझे बताओ ना, हम एक दूसरे से प्यार करते हैं, तुम ऐसा क्यों कर रहे हो? नहीं, नो 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 नो, यू कांट लीव मी। इसका मतलब ये सब व्यवहार में, मतलब वो जो उस लड़की ने बर्थडे वाला केक काटा था वो व्यवहार का था, और उसने वो टैटू। हैप्पी बर्थडे स्वीटहार्ट, आज का दिन एक और वजह से भी स्पेशल है। याद आया क्यों? आज के दिन हम पहली बार मिले थे। आई हैव अ सरप्राइज फॉर यू। मतलब विवान को सब पता था और वो मुझसे झूठ बोल रहा था। इतना बड़ा झूठ, इतना बड़ा धोखा कैसे कर सकते हो विवान तुम? ये कैसे? मैं अपने आप को झूठ मान सकती थी पर तुम्हें नहीं। कैसे, कैसे कर सकते हो तुम ये? क्यों विवान, क्यों किया तुमने? क्यों? मीरा, तुम उस घर के अंदर गई। मीरा, तुम्हें समझ क्यों नहीं आता? तुमसे कहा मैंने कि तुम्हारे दिमाग में जो फालतू के ख्याल आ रहे हैं उनको खोज, उन पर ध्यान भर दो। कैसे बार 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 तुम बोलते रहे मीरा ये भ्रम है, मीरा ये तुम्हारा वहम है। कुछ वहम नहीं था, सब कुछ सच था, सब कुछ तुम्हारे अतीत का सच। तुम्हें शायद पता नहीं है पर सच एक ना एक दिन सामने जरूर आता है, और उसके साथ साथ सारे रिश्तों की सच्चाई भी सामने आ जाती है। आ गई तुम्हारी सच्चाई सामने। वो बॉक्स, उस डब्बे में जरूर कुछ है। मैंने तो वो बॉक्स यही रखा था, फिर कहाँ चला गया? वो फोटो वरांडे में मिली थी, चली गई। इसका मतलब वो भी विवान है। हो सकता है उधर और भी कुछ मिल जाए।
मीरा कहाँ है पुत्र तू? मीरा जी बीजी क्यों होया? पुत्र मीरा कहाँ है? उसे कब से ढूंढ रही हूँ, कहीं भी दिखाई नहीं दे रही। उसे कहो कि विवान को बुलाए और उसे ये माता के दरबार का सिंदूर दे। अच्छा अच्छा, दोनों अंदर ही गए हैं, अभी बुलाती हूँ। कहाँ रहते हो आजकल? ना तेरी कोई खैर खबर होती है ना मीरा की। अच्छा ये ले माता के दरबार का सिंदूर और इसे ना मीरा की मांग में भर दे। उसे पता नहीं चलने दे सकता। चाहे मुझे झूठ बोलना पड़े, मैं अपने रिश्ते को बचा के रहूंगा। मीरा, बस इतना स्टैमिना है। पंजाब की कबड्डी प्लेयर में हा? चलो मुझे लगता है तुम्हें ना और कुछ बढ़िया सा खाना चाहिए। चलो हम कहीं। इसके बाद ना सिर्फ अभी की नाराजगी नहीं, आगे जाके जितनी भी नाराजगी होंगी ना सब हट जाएंगी। दादी ने दिया माता रानी का सिंदूर, कहते हैं अच्छा होता है। परोमिता कौन है? क्या रिश्ता है तुम्हारा परोमिता के साथ? मीरा मेरी बात सुनो। क्यों क्यों सुनूं तुम्हारी बात? मुझसे एक और झूठ बोल सको? क्या खेल खेला था तुमने उसके साथ, या क्या खेल खेल रहे हो तुम मेरे साथ? विवान कपूर तुम्हारे हाथ खून से रंगे और तुम्हारा दिल बेमानी से। मेरी बात सुनो। वो परोमिता वो मेरी गर्लफ्रेंड नहीं, वो मेरे दोस्त की गर्लफ्रेंड थी। वो मेरे दोस्त से बहुत प्यार करती थी, वो उसकी गर्लफ्रेंड थी। मेरा कुछ लेना देना नहीं उसका। और वो टैटू जो मुझे बार बार सपने में आता है,
उसके हाथ में तुम्हारा नाम था विवान, तो मैं तो झूठ बोलने की कोशिश। मीरा मुझे एक बात बता, क्या दुनिया में सिर्फ एक ही विवान? मेरी और उस विवान की दोस्ती इसी वजह से हुई क्योंकि हमारा नाम एक था। एयरपोर्ट में फ्लाइट अनाउंस होते हुए हमारा नाम लिया और हम दोनों साथ में गए, तब जाके हमारी बात शुरू। परमिता उसकी गर्लफ्रेंड है, मेरी नहीं। कहिए फिर से, फिर से कोई झूठ तो नहीं? मीरा ये तुम क्या कह रही हो? मीरा तुम मुझ पे शक कैसे कर सकती हो? तुम्हें पता है तुम्हारी मामला सही कहती है, तुम एकदम जल्दी। अरे तुम्हें कुछ बात पूछनी थी तो सीधा मुझसे आके पूछती ना, मैं खुद तुम्हें सब कुछ सच सच बता देता। तो तुमने तो मुझे खूनी बना दिया। मीरा मैंने लाइफ में सिर्फ तुमसे प्यार किया, सिर्फ तुमसे। मैं चाहती हूँ तुम पे विश्वास करना, पर नहीं कर सकती। मैं चाहती हूँ कि मैं मान जाऊं कि तुम सच में सिर्फ मुझसे प्यार करते हो, पर नहीं मान सकती। मैं चाहती हूँ विवान की तुम्हें उन्हीं नजरों से देखो जिससे मैं अपने विवान को देखती थी, पर नहीं देख सकती। मैंने तुम्हें क्या समझा था विवान, पर सारी की सारी सच्चाई कुछ और बयां कर रही है। मीरा मीरा देखो मेरी बात सुनो। ये नहीं विवान, कैसे विश्वास करूं तुम्हें और क्यों विश्वास करूं? क्यों हर बार मुझे उस लड़की के साथ तुम्हारी शक्ल नजर आती है? क्यों हर इशारा तुम्हारी तरफ है? क्यों हर वो कड़ी जो इस कहानी से जुड़ी है? मेरा मेरी बात नहीं बेबा, अब मैं सच्चाई का पता लगा के रहूंगी, चाहे जो मर्जी हो जाए। और जब तक मैं सच्चाई का पता नहीं लगा लेती ना, तब तक हमारा रिश्ता भी अधूरा है।